हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। सो गाइस, आज मैं आप सबको वापस एक शूट लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी आज एक एड का शूट है, मतलब एक प्रोमो शूट है, तो उस पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या क्या करता हूँ, और मेरे लिए भी एक्सपीरियंस एक न्यू एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी प्रोमो शूट नहीं किया है। सो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे शूट होता है, किस चीज़ का प्रोमो है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में, अभी नहीं। या फिर आपको बीच में शायद पता चलेगा, या फिर टाइटल हमने लेके पता चलेगा, मुझे नहीं पता, अभी मैं आपको नहीं बता रहा फिलहाल। तो चलिए हम जाते हैं और देखते हैं कि मैं आज क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं पहुँच गया हूँ, ये देखिए ये पीछे है स्टूडियो मेरा। चलिए अंदर जाते हैं, सबसे इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, चलिए। और ये देखिए, अंदर आते ही मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिखी वो था ये मंदिर का सेटअप, जो अभी सेट हो रहा था, बिकॉज बाद में यहाँ पे शूटिंग होनी थी, तो लाइट्स वाइट्स और सब सेटिंग बेसिकली चल रही थी ये मंदिर की। और ये देखिए, ये पूरा सेट था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और फिर मैं आ गया था यहाँ के मेरे मेकअप रूम में, तो मैंने सोचा कि आपको भी एक मेकअप रूम की मेरी जो है वो टूर दे दे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, यस, तो यस, मेकअप रूम, मेकअप के लिए बैठे, चलिए। उसके बाद स्टार्ट हो गया था मेरा मेकअप। ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक ही था, बिकॉज ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा फैंसी लुक नहीं था, मेरा घर का ही लुक था, तो ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया उन्होंने। तो मेरा मेकअप हो गया और अभी लंच के लिए उन्होंने बोला है, तो अभी मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। आई गेस सेकेंड सीन मेरा ही है, क्योंकि मतलब पहला सीन एक छोटे से बेबी का है जो कुछ महीने का है, अभी सेकेंड सीन मेरा, तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, चलिए। तो ये सारी चीज़ें थी खाने के लिए जो अच्छी थी, तो ये लंच के लिए बेसिकली था। और ये देखिए, ये है मेरी प्लेट, खाना हो गया मेरा। अभी थोड़ी सी बारिश है आज, एक अच्छा है कि ना इतनी सी ना ज़्यादा बारिश नहीं है, क्योंकि ना जब बारिश होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, देखो कीचड़ वीचड़ हो जाता है। तो चलिए जाते हैं। और फिर शूट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे गणपति बप्पा की पूजा हो रही थी, और फिर एक एक करके सीन्स शूट किए गए, और बहुत मज़ा आया मुझे भी शूट करते हुए, मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो मैंने मेरा फर्स्ट टेक दे दिया अभी जस्ट, और बहुत अच्छा लगा काम करके, पहला सीन जो भी था बहुत मज़ा आया। एंड बाकी जो भी करूँगा शूट आ गया वो दिखाऊंगा आपको, बट एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था अभी तक। तो अभी मेरा हो गया पहला ये, और बारिश आई गेस स्टार्ट हो गई है बाहर, सो अभी हम रुके वापस थोड़े टाइम। और फिर मैं आ गया था नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में गुलाब जामुन जो बहुत अच्छे थे। और ये देखिए, ये है नन्ही सी परी जो मैं बोल रहा था आपको, छोटी बच्ची ये थी, वो बहुत अच्छी थी। वाओ, आई मीन लुक एट इट गाइस, कितनी सुंदर लाइटिंग की है। जब मैं आया था सेट के अंदर तभी जो प्लेस थी, और अभी आई मीन सीरियसली हैट्स ऑफ टू द लाइटिंग डिपार्टमेंट यार, सच में उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया था। और ये थी हमारी पूरी टीम। तो मेरा एक सीन अभी शूट हुआ जस्ट, एंड बालों की हालत, बिकॉज हम पेड़ के नीचे खड़े हैं और बारिश आ रही है, और हमारे सीन शूट हो रहे थे तो बाल मेरे थोड़े भीग गए हैं। अभी मैं थोड़ा इसको ज़रा अच्छे से करूँगा, बिकॉज शायद अभी नेक्स्ट मेरा क्लोजअप होगा, तो देखते हैं अभी मैं ये ठीक करता हूँ मेरा, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब आपसे बाद में करूँगा। मुझे इससे पहले जाना है टेक के लिए, तो मैं तब तक मेरा पूरा गेटअप वेटअप जो भी है वो पूरा चेक कर लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, एंड फिर आ गई ये जोरदार बारिश जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ आ गई है ये देखिए बारिश, बहुत बारिश हो रही है, बाप रे सीरियसली, मतलब हमारे क्लोजअप अभी तक नहीं हुए हैं और 11 बज गया, बिकॉज बारिश हो गई है तो हम क्लोजअप नहीं ले सकते, आउटडोर का सीक्वल है, तो अभी बारिश हो रही है तो अभी हम खाना खा लेंगे। मेरे तो पेट में जगह है नहीं, क्योंकि मैंने नाश्ता जो था दिखा मैंने आपको बहुत अच्छा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो अभी देखते हैं कि क्या आगे होता है, अभी तो फ़िलहाल हम रुके हुए हैं। और फिर ब्रेक हो गया था बिकॉज उस पर टाइम था, तो फिर हमने सोचा कि हम डिनर जो है वो कर लेते हैं।
मैं थक गया सच में गाइस, कुछ नहीं हो रहा अब तक। मैं कब से हम यहीं पे बैठे हैं और कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसे मिलने कोई तो आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो कि भी बहुत सारा नींद में है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि हमारा हो जाएगा एटलीस्ट 12 तक, 12 नहीं तो एटलीस्ट 2 तक, बट एक बज गया है, देखिए यहीं पे एक बज गया। और अभी हमारा बाकी तब बेसिकली बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी। और फिर जो मेरे क्लोजअप शॉट्स बाकी थे, अभी वो शॉट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। हंसो जूनियर्स भी, भाई लोग हंसो, चेहरे पे दिख रहा है। ओह मेरा हो गया सब, अभी सारे सीन्स आर डन, नाउ आई एम गोइंग टू माय मेकअप रूम। चलो चलो बाय बाय, चार बाय 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 बाय, डन विद पैकअप, चलो घर पे जाते हैं। और फिर इस क्लिप के बाद मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गया, और उसके बाद में मैंने सीरियसली कुछ भी शूट नहीं किया और मैं डायरेक्ट घर पे गया और सो गया। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज क्या हो गया, मैंने वो शूट किया सारेगामा का, एंड उसके बाद तुरंत ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फीवर आने लगा, मेरा गला ख़राब हो गया, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। और आज एक्चुअली मैं ये वीडियो तभी शूट कर रहा हूँ जब ये ऐड टेलीकास्ट हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने ये ऐड देखी होगी, और बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन्स हैं, मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली मतलब फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय प्रेजेंस इन द ऐड। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पहले ये पूछा कि लाइक ये तुम ही हो ना, बिकॉज मैंने अभी तक ऐसे कोई प्रोमो वगैरह नहीं शूट किया था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि मैं ही सारेगामा में हो गया, मैं कंटेस्टेंट हो गया, मैं एंकरिंग करने वाला हो गया, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ प्रोमो के लिए ही था, प्रोमो जो भी एडवर्टाइजमेंट था सारेगामा लिटिल चैंप्स का, उसके लिए ही मैं वहाँ पे था, और वो चीज़ आई गेस बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हो गई है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे फ़ोन्स किए, मैसेजेस किए, और मतलब आपके ज़िंदगी से थोड़ा भी वक्त निकाला और आपने मुझे अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस जो सेट पे था, शूट पे था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बिकॉज बहुत अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल ही पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा था, फ्रेंडली था बहुत ही, और ये काम कुछ अलग था, कुछ नया काम था, मेरा पहला ही काम था, तो अच्छा लगा प्रोमो करके ऐसा कुछ, सो मज़ा आया मुझे, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड जो भी मेरे साथ मेरी कास्ट थी, क्रू थी, आप मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया होगा, सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे आपके साथ भी काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मुझे थैंक यू बोलना है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जानिस प्रोडक्शंस, निनाद शेट्टे कास्टिंग डायरेक्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब जिन्होंने मेरी प्रोफाइल आगे भेजी, सो थैंक यू सो मच निनाद सर आपको भी, एंड जी मराठी, थैंक यू सो मच जी मराठी फॉर दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, आई एम सीरियसली ऑनर्ड फॉर दिस कि आपने मुझे सिलेक्ट किया फॉर द प्रोमो, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी जिन्होंने मुझे विशेष किया, माई लवली ऑडियंस, माई सब्सक्राइबर्स, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, हम हमेशा कहते हैं हमारे ब्लॉग्स में, हमारे इंटरव्यूज के वीडियो में एंड सीरीज के वीडियोज में कि अगर आप हमें वहाँ पे अप्रिसिएट कर रहे हैं तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर अप्रिसिएशन, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज रख के हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टोरीज रख के हो, या फिर रील्स पे कमेंट्स करके हो, थैंक यू एवरीबडी थैंक यू। और जिन्होंने मेरी ऐड अभी तक देखी नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैंने सारेगामा पर लिटिल चैंप्स के लिए मैंने ये ऐड शूट की थी, जो भी करंटली जी मराठी ये चैनल है उस पर टेलीकास्ट हो रही है, ये मराठी चैनल है तो वहाँ पे टेलीकास्ट हो रही है, तो आप देख सकते हैं। अभी ऐड का कैसे होता है, कोई ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं होता, तो आप लगा के रख दीजिए, जब भी आपको दिख जाएगी आप जल्दी से देख लीजिएगा। और जिनको देखनी है वो मैं नीचे ना इंस्टाग्राम की मेरी लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, आपको फोटो भी दिख रहा होगा कि मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक ही फोटो लगाया कि क्या मेरा सीन लगा था, तो वो आप ऐड प्रॉपर देखिए पूरी, जो भी इंस्टाग्राम की रील है मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो रील चेक कर सकते हैं, वो रील में मैंने मेरी पूरी ऐड डाली है, सो वहाँ पे जाइए, कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, एंड देखिएगा आपको कैसा लगता है, अच्छा बुरा जो भी है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा,
यही मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब अनएक्सपेक्टेडली मुझे बहुत सारे लोगों के इस बार फ़ोन आए थे और मैसेज आए, और मेरे मुझे ही नहीं मतलब मेरे दोस्त, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पता है इस बार क्या लगा कि मेरे जो दोस्त है ना उन्हें भी फ़ोन आए कि अरे वो यश आपका दोस्त है ना, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने इतना प्राउडली कहा ना कि यहाँ ये मेरा दोस्त है, उसको टीवी पे देखो, उन्होंने उनके घर में बताया, तो उनके घर वालों ने भी मतलब रिकॉर्ड किया, लिटरली जो एड थी ना वो रिकॉर्ड किया एंड देवर वॉचिंग इट ऑन रीप्ले। सो दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड टू मी कि इतने सारे लोगों को क्या बोलते हैं प्राउड महसूस होगा कि मेरा दोस्त या फिर मेरा बच्चा या फिर वॉट एवर मतलब मेरा कोई जान पहचान वाला इज इन द एड। सो वो चीज़ का मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएटिंग लगा कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं, वीडियोज़ भी निकाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एवरीबडी जिन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया है इस मेरी एड फिल्म के थ्रू आउट, एंड बाकी काम तो आप अप्रिसिएट करते ही है, यूट्यूब भी आप अप्रिसिएट करते हैं। सो एवरीबडी थैंक यू सो 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 मच, आई एम सीरियसली ग्रेटफुल टू एवरीबडी। So, फिलहाल ये था आज का मेरा वीडियो, मतलब आज का नहीं पिछले 3-4 दिन का वीडियो जब मैंने वो एड शूट की थी तभी का वीडियो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल YN कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।